घासीकटरा स्थित संत कबीर मंदिर में बुधवार को संत कबीर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के उपसभापति जितेंद्र सैनी, मंदिर के संरक्षक राम नरेश, श्री नारायण सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने संत कबीर की चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उनके बताए गए मार्गों पर चलने के संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर एक सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें वक्ताओं ने संत कबीर के जीवन पर प्रकाश डाला। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए घासीकटरा संत कबीर मंदिर के संदर्शक राम नरेश ने कहा कि संत कबीर ने विभिन्न विचारधाराओं और उपासनाओं को जोड़कर आम लोगों के लिए काम किया था जिससे उनका समय कबीर युग कहलाया। उन्होंने कहा कि संत कबीर के बताए रास्ते पर चलकर लोग लाभ पा रहे हैं। उनके विचारों का केवल भारत ही नहीं बल्कि वेजिलियम और कनाडा जैसे देशों में भी सम्मान किया जा रहा है। संत का दर्शन सदा बंदगी बोलिए जगदुरु कबीर चाहे बाबू जी वंदना को ट्राई करें। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। ये सद्गुरु कबीर साहब की 620वीं कबीर जयंती है और यह ऐसा स्थान है कि कबीर साहब मगहर आने के पहले शरीर छोड़ने के लगभग साल भर पूर्व अनंत चतुर्दशी को यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद गए थे और जाने के लगभग साल भर बाद वहाँ शरीर छोड़े थे। इस बीच उनका भ्रम इस क्षेत्र में सघन क्षेत्र है उनका, इसमें विभिन्न प्रकार के स्थानों पर जाते हुए भंडारा करते रहे और मगहर को उन्होंने केंद्र बनाया और ये मान करके बनाया कि मुझे शरीर यहीं छोड़ना है और ये एक चमत्कार ही है कि उनके शरीर के जगह फूल मिला और यहाँ भी भंडारा हुआ। तब से यहाँ अनंत चतुर्दशी का भंडारा होता है, कबीर जयंती भी मनाया जाता है। 29 वर्ष हो गए समिति को बने, ये करती रहती है और भंडारा यहाँ अनंत चतुर्दशी उनके आगमन की तिथि को किया जाता है। राम नरेश चौबे नाम है, संत कबीर सेवा समिति का मंत्री हूँ।